नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नक्सलियों का सेफ जोन बना है 50 गांव। गुमला के कुरुमगढ़ थाना सटे करीब 50 गांव में मोबाइल नेटवर्क इन दिनों पड़ा है ठप। नक्सली हमला करें तो सीनियर पुलिस अधिकारियों तक सूचना पहुंचाने में होती है देरी। पिछली घटना में 12 घंटे बाद गुमला से अतिरिक्त फोर्स कुरुमगढ़ थाना पहुंची थी। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखंड में कुरुमगढ़ थाना है, जो गुमला और घाघरा प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में है। लेकिन कुरुमगढ़ थाने से सटे करीब 50 गांव में मोबाइल नेटवर्क इन दिनों ठप पड़ा है, जिससे पुलिस सीआरपीएफ समेत 20,000 आबादी प्रभावित है। नेटवर्क के नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में किसी प्रकार का सूचना आदान प्रदान नहीं हो पाता है। यही वजह है कि ये क्षेत्र अभी भी भाकपा माओवादी का सेफ जोन बना हुआ है। नेटवर्क नहीं रहने से कुरुमगढ़ थाना का संपर्क जिला मुख्यालय और दूसरे थाना से पूरी तरह से कटा हुआ है। अगर नक्सली हमला करें तो सीनियर पुलिस अधिकारियों तक सूचना पहुंचाने में देरी होती है। यही वजह है कि गत 26 नवंबर को नक्सलियों ने कुरुमगढ़ के नए थाना भवन को बम विस्फोट कर उड़ा दिया था। मोबाइल नेटवर्क नहीं रहने के कारण रात को कुरुमगढ़ थाना को किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। 12 घंटे बाद गुमला से अतिरिक्त फोर्स कुरुमगढ़ थाना पहुंची थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।